हेलो गाइज, वेलकम टू दिस वीडियो। और मेरा नाम है अमन त्रिवेदी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इस वीडियो सीरीज़ में हम लोग वर्ड पावर मेड इजी जो हमारी किताब है उसकी डिक्शनरी का पार्ट हम लोग यहाँ पर सीख रहे थे। तो उसी वीडियो सीरीज़ में आप में से बहुत सारे लोगों ने कहा कि उस सीरीज़ को कंटिन्यू करना चाहिए, लेकिन आप सभी से मेरी ये गुजारिश है, कंटिन्यू तो मैं कर लूँगा लेकिन उसके लिए आपको वीडियोज़ को देखना होगा, उन्हें शेयर करना होगा, वीडियो को लाइक करना होगा और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। अगर आप ये सारे काम करोगे तो मैं वीडियो सीरीज़ को कंटिन्यू कर पाऊंगा, और नहीं करोगे तो नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे आप सभी का सपोर्ट की आवश्यकता है। बिना आपके सपोर्ट के हम कोई भी चीज़ आगे नहीं बढ़ा सकते। तो प्लीज़ डू शेयर, प्लीज़ डू लाइक, एंड जब भी वीडियो देखिए तो आखिरी तक देखिए और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए कि आपने ये वीडियो देखा है। ठीक है, तो शुरू करेंगे आज के वीडियो को। बिफोर वी स्टार्ट, मैं आपको अनअकैडमी प्लस पर आने वाले मेरे कोर्सेज के बारे में बताता हूँ। मेरे इंग्लिश का नया कोर्स आ रहा है। अगर आप बिल्कुल बेसिक से अंग्रेज़ी पढ़ना चाहते हैं तो आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। इडियम्स एंड फ्रेजेस अगर आप एसएससी के लिए याद करना चाहते हैं तो आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। लूसेंट की अगर आप पॉलिटी समरी या पढ़ना चाहते हैं, लूसेंट की पॉलिटी की अगर आप समरी पढ़ना चाहते हैं तो आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। 12 अक्टूबर से इस कोर्स में क्लासेस शुरू होंगी। इसके अलावा एसपी बख्शी समरी को अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। इसमें मैं एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स करवाऊंगा। इसके अलावा क्लोज टेस्ट और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे को अगर आप मास्टर करना चाहते हैं तो आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा पैरा जंबल्स में आप पढ़ना चाहते हैं तो आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा एरर डिटेक्शन पे हमारा अगला कोर्स है जो कि आज से शुरू हो रहा है 4 PM से, तो इसमें आप एनरोल कर सकते हैं। इन सभी कोर्सेज को अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरा रेफरल कोड नोट कर सकते हैं, दैट इज़ AMANT, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा और आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन 6,000 रुपीज़ में नहीं, सिर्फ 5,400 रुपीज़ में ले सकते हैं। अगर आपकी सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं और आप पूछ सकते हैं। 8299117042, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। अगर आपका कोई भी सवाल, कोई भी क्वेश्चन है तो आप उसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। ठीक है, बात को शुरू करते हैं आज के अपने वर्ड के साथ में। पहला हमारा जो वर्ड है वो है आज का एग्नोस्टिक। तो एग्नोस्टिक क्या होता है इसको समझते हैं। एग्नोस्टिक हम उस व्यक्ति को कहते हैं जो कि रिस्पॉन्स हु इज नॉट बिलीव्स दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू नो वेदर गॉड एग्जिस्ट और नॉट, यानी कि हु इज़ अ बिट काइंड ऑफ बिट कन्फ्यूज दैट गॉड एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं। वह व्यक्ति जो ऐसा मानता है कि हम जान ही नहीं सकते भगवान के बारे में कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं, उसे हम कहते हैं एग्नोस्टिक। ठीक है, तो समझ रहे हैं एग्नोस्टिक किसे कहेंगे। एग्नोस्टिक उस व्यक्ति को कहते हैं, वह व्यक्ति जो ये मानता है कि भगवान के बारे में कुछ भी नहीं जाना जा सकता है, उसे कहते हैं एग्नोस्टिक। ठीक है, सिनोनिम्स देखिए इसके क्या क्या हो जाएंगे। स्केप्टिक, डाउटर, क्वेश्चनर, चैलेंजर, अनबिलीवर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए आप इसे अवश्य याद रखिएगा। एंटोनिम्स इसके क्या हो जाएंगे। एंटोनिम्स इसका हो जाएंगे बिलीवर, थीस्ट। ठीक है, यानी कि जो बिलीव करता है और जो थीस्ट है, ठीक है, जो भगवान में भरोसा रखता है। व्हेन आई स्टार्टेड आउट माय करियर आई वाज एन एग्नोस्टिक। जब मैंने अपना करियर शुरू किया था आई वाज एन एग्नोस्टिक, यानी कि मैं ये मानता था कि भगवान के बारे में कुछ भी नहीं जाना जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अलैक्रिटी। अलैक्रिटी का मतलब क्या होता है। अलैक्रिटी का मतलब होता है लाइवलीनेस एंड ईगरनेस, जो बहुत ही तेज तर्रार है, बहुत ही फुर्तीला है। यानी कि अलैक्रिटी का मतलब आप समझ लीजिए तत्परता। ठीक है, जो जैसे कि ये बहुत ही तेज तर्रार, बहुत ही लाइवली है, बहुत ही ईगर है, उत्सुक है, और लाइवली है का मतलब बहुत ही एकदम जीवंत है, ऐसा मालूम पड़ता है कि जिंदा दिल है, उसे कहते हैं अलैक्रिटी। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, अमेनेबिलिटी। अमेनेबिलिटी मतलब हो गया बहुत ही मित्रवत है। गेमनेस, गुडविल, अच्छा व्यक्ति हो जाएगा। ओब्लाइजनेस एंड विलिंगनेस भी इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। इसके अलावा एंटोनिम्स हमारा क्या हो जाएगा, अपैथी। अपैथी का मतलब होता है आपका जो बिल्कुल भी उत्सुक नहीं है, जो बिल्कुल भी जानना नहीं चाहता, हु इज़ अपैथेटिक टूवर्ड्स पीपल, इनडिफरेंट है, उदासीन है, जिसे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई जिए या मरे। अगला क्या है आपका, ईगर, सॉरी एग्जाम्पल क्या है, दे एक्सेप्टेड द ऑफर विद अलैक्रिटी, यानी कि उन्होंने इस ऑफर को बहुत ही तत्परता से, बहुत ही खुशमिजाजी से, लाइवलीनेस से, ईगरनेस से एक्सेप्ट कर लिया। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है आपका, नेक्स्ट है एलिज। एलिज का मतलब देखिए क्या होता है। एलिज एक ऐसा शब्द है जो आपको रोज आए दिन अखबारों में देखने को मिलेगा। मतलब क्या होता है, टू स्टेट समथिंग एज अ फैक्ट बट विदाउट गिविंग प्रूफ, यानी कि किसी बात को एज अ फैक्ट कहना
लेकिन आपके पास कोई सबूत नहीं है, तो किसी के ऊपर कोई आरोप लगाना, कोई प्रत्यारोप लगाना बिना किसी सबूत के, उसे कहते हैं एलिज। अक्सर आप अखबारों में देखते हैं, न्यूज़ में देखते हैं, कोई भी मंत्री, कोई भी मिनिस्टर, कोई भी नेता या कोई भी अभिनेता किसी के ऊपर आरोप लगाता है कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने ऐसा किया, इन्होंने घोटाला कर दिया, उन्होंने वैसा कर दिया, लेकिन आपके पास उसका कोई सबूत नहीं होता, तो उसे कहते हैं एलिज करना। ही एलिज्ड मी ऑफ टेकिंग ब्राइब, यानी कि उसने मुझ पर आरोप लगाया कि मैंने रिश्वत ली। तो एलिज का मतलब हो जाता है किसी पर आरोप लगाना विदाउट हैविंग अ प्रूफ, उसे कहते हैं एलिज करना। सिनोनिम क्या हो जाएंगे, अफर्म करना, एसर्ट करना, एवर करना, अवाउच करना, अवाउ करना, क्लेम करना, कंटेंड करना, डिक्लेयर करना या इंसिस्ट करना। एंटोनिम्स हो जाएंगे डिनाय करना या गेन से, मतलब आप मना कर दें। द पुलिस एलिज दैट द मैन वॉज मर्डर्ड बट दे हैव गिवन नो प्रूफ, पुलिस ने ऐसा आरोप लगाया है कि मैन की मृत्यु हुई है लेकिन उन्होंने कोई भी ऐसा उसका प्रूफ नहीं दिया है। तो एलिज का मतलब क्या हो गया, आरोप लगाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है आपका, एलिविएट। एलिविएट का मतलब क्या होता है, एलिविएट का मतलब होता है टू मेक समथिंग लेस सीवियर, किसी के दुख परेशानी को कम करना। एलिविएट, आइए इस आपके दुख परेशानी को कम करते हैं। तो एलिविएट मतलब हो गया टू मेक समथिंग लेस सीवियर, किसी की दुख परेशानी को कम करना। एलिविएट, मिटिगेट का मतलब होता है किसी की दुख परेशानी को कम करना। ठीक है, सिनोनिम्स हो जाएंगे एले, एसुआज, ईज, हेल्प, मिटिगेट, मॉलिफाई, पैलिएट, रिलीव, सूद। यानी कि किसी के दुख परेशानी को कम करना, एले करना, एसुआज करना, ईज करना, हेल्प करना, मिटिगेट करना, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सिनोनिम है, एग्जाम में आ सकता है, मॉलिफाई करना, पैलिएट करना, रिलीव करना या फिर सूद करना। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, एग्रेवेट करना, एग्जेसरबेट करना, किसी की स्थिति को बद से बदतर बनाना। एग्रेवेट करना मतलब किसी की स्थिति को बद से बदतर बनाना, एग्जेसरबेट करने का भी वही मतलब हो गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये अक्सर पूछा जाता है। द डॉक्टर गेव हर एन इंजेक्शन टू एलिविएट द पेन, डॉक्टर ने उसे इंजेक्शन दिया उसके दर्द को कम करने के लिए। ठीक है, चलिए अगला वर्ड हमारा क्या है, अगला वर्ड है हमारा एलोकेट। तो एलोकेट आप सभी को पता है, एलोकेशन किया जाता है, फंड एलोकेट किया जाता है, गिव समथिंग ऑफिशियली समथिंग फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, किसी उद्देश्य के लिए किसी को कुछ, किसी चीज़ को देना क्या कहलाता है, एलोकेट कहलाता है। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, अलॉट करना, अलाउ करना, अपोर्शन करना, असाइन करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, लॉट करना, राशन करना, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, द मैनेजर एलोकेट ड्यूटीज टू द असिस्टेंट्स, यानी कि मैनेजर अपनी जो ड्यूटीज़ हैं वो असिस्टेंट्स को एलोकेट करता है, उन्हें देता है, उसे कहते हैं एलोकेट करना। ठीक है, सो एलोकेट करना मतलब किसी को कोई काम असाइन करना, किसी को कुछ पैसा असाइन करना या किसी भी चीज़ को असाइन करने के लिए एलोकेट करना कहते हैं। नाउन इसका क्या हो जाएगा, देखिए ये वर्ब है, किसी में भी अगर आप टी आई ओ एन लगाओगे तो वो क्या बन जाएगा, नाउन बन जाएगा, और अगर आप टी ओ आर बन लगा दोगे तो वो क्या बन जाएगा, कॉमन नाउन बन जाएगा। तो देखिए एलोकेशन हो गया आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन और ये हो जाता है आपका कॉमन नाउन। ठीक है, तो इस तरीके से आपके दो शब्द हो गए। नेक्स्ट हमारा क्या है आपका, अगला शब्द हमारा होता है अलॉय। अलॉय आप सभी लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, दो आपकी मेटल्स के मिक्सचर को बना के जो हम बनाते हैं उसे क्या कहते हैं, अलॉय कहते हैं। तो सिनोनिम्स हो जाएंगे एडमिक्सचर, एमलगम, एमलगमेशन या ब्लेंड, आप सभी को पता है। कॉकटेल, कॉम्बिनेशन, कंपोजिट कहते हैं। फॉर एग्जांपल ब्रास इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक, तो ब्रास जो है वो कॉपर और जिंक का अलॉय है, मिश्र धातु जिसे आप कहते हैं। तो ये सिंपल था। अगला वो शब्द हमारा क्या है, अल्यूजन। अल्यूजन क्या होता है, अल्यूजन मतलब आपके टी आई ओ एन लग गया, किसी भी शब्द के एंड में अगर आई ओ एन लगेगा तो वो क्या बनेगा, नाउन। अल्यूजन किससे बनता है आपका, ये शब्द बनता है अल्यूड से। अल्यूड क्या होता है आपका, अल्यूड होता है वर्ब। मीनिंग क्या होता है, something that is said or written that refers to or mention some other person or subject in an indirect way, यानी कि allude करना, allusion उसी का noun हो गया, किसी की तरफ इशारा करना या किसी भी चीज़ की तरफ indirect तरीके से इशारा करना, किसी बात को indirectly mention करना क्या कहलाता है, allude करना या allusion। जैसे he was alluding towards, जैसे अभी कल परसों आपने देखा होगा एक news चल रही थी कि
आर नाम के 38 साल के अभिनेता है रडार पे. तो दे वर ट्राइंग टू अल्यूड टू अ सुपरस्टार, अ बॉलीवुड सुपरस्टार हु एवरीबडी नोज. तो दैट इज कॉल्ड अल्यूजन या अल्यूड, यानी किसी की तरफ इशारा करना, इंगित करना, किसी की तरफ इशारा करना, किसी को इनडायरेक्टली मेंशन करना. हिज स्टेटमेंट वॉज सीन एज एन अल्यूजन टू द रिसेंट ड्रग रिलेटेड किलिंग. उसका जो स्टेटमेंट था वह उनकी तरफ इशारा समझा गया, ड्रग रिलेटेड किलिंग्स की तरफ इशारा समझा गया. समझ गया, तो अल्यूजन किसे कहते हैं? समथिंग दैट इज सेड और रिटन दैट रिफर्स टू और मेंशन अनदर पर्सन और सब्जेक्ट इन एन इनडायरेक्ट वे, किसी की तरफ इनडायरेक्ट वे में इशारा करना या कहना कुछ. अगला शब्द हमारा क्या है? अलूफ. अलूफ का मतलब हो जाता है, ए मतलब अलोन हो गया, नॉट फ्रेंडली और इंटरेस्टेड इन अदर पीपल, जो कि फ्रेंडली नहीं है और बाकी लोगों में इंटरेस्टेड नहीं है, उसे कहते हैं अलूफ. सिनोनिम हो जाएगा एंटी सोशल, असोशल, बटनड अप, कोल्ड, कोल्ड आइड, कूल, डिटैच्ड, डिस्टेंट, ड्राई, फ्रॉस्टी. एंटोनिम्स हो जाएंगे कॉर्डियल, फ्रेंडली, सोशेबल, सोशल, वार्म. फॉर एग्जाम्पल, आई फाइंड हिम वेरी अलूफ एंड अनफ्रेंडली. मैं उसे बहुत अलग पाता हूँ और अनफ्रेंडली पाता हूँ. अलग थलग मतलब जो बिल्कुल मिलता नहीं है, मिलजुल के नहीं रहता, फ्रेंडली नहीं है, इंटरेस्टेड नहीं है लोगों में. एडवर्ब क्या हो जाएगा? ये एडजेक्टिव है. देखिए, अलूफ क्या है आपका? एडजेक्टिव. और अगर किसी भी एडजेक्टिव में एल वाई लगेगा तो वो क्या बन जाएगा? एडवर्ब. तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा? अलूफली. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है? ऑल्ट्रिज्म. ऑल्ट्रिज्म क्या होता है? ऑल्ट्रिज्म इज द क्वालिटी ऑफ अनसेल्फिश कंसर्न फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स. ऑल्ट्रिज्म हम किसे कहते हैं? ऑल्ट्रिस्टिक होना. इसके एंड में देखिए क्या आ रहा है? ISM. ISM क्या है आपका? नाउन. इसी से आपका कॉमन नाउन क्या बन जाएगा? ऑल्ट्रिस्टिक. ऑल्ट्रिस्टिक क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव. और शब्द बन जाएगा ऑल्ट्रिस्ट, कॉमन नाउन हो जाएगा. वह व्यक्ति जो ऑल्टर, ऑल्टर वर्ड हम लोगों ने रूट वर्ड में पढ़ा था, मतलब क्या होता है? अदर. मतलब जो दूसरों का भला चाहता है, अनसेल्फिश है, अपना भला नहीं चाहता, अपने भले के लिए कार्य नहीं करता, दूसरों के भले के लिए कार्य करता है, उसे ऑल्ट्रिस्टिक कहते हैं या ऑल्ट्रिज्म कहते हैं. सिनोनिम हो जाएगा सेल्फलेसनेस, सेल्फ सेक्रीफाइस, सेल्फ डिनायल, कंसिडरेशन. एंटोनिम हो जाएगा सेल्फिशनेस, इगोइज्म. फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ नॉट नोन फॉर हर ऑल्ट्रिज्म. वह अपने ऑल्ट्रिज्म के लिए नहीं जानी जाती है, यानी कि वह अपने ऑल्ट्रिज्म के लिए नहीं जानी जाती, यानी कि द क्वालिटी ऑफ अनसेल्फिश कंसर्न फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स. ठीक है, यानी कि दूसरों के भले करने के लिए नहीं जानी जाती. अगला है एम्बियंस. तो एम्बियंस क्या होता है? किसी भी जगह का एटमॉस्फेयर या कैरेक्टर, उसे कहते हैं एम्बियंस. जैसे यहाँ का एम्बियंस नहीं अच्छा है, यहाँ का माहौल नहीं अच्छा है. एयर, अरोमा, एटमॉस्फेयर, ऑरा या फिर क्लाइमेट, वाइब्स या फिर मूड. एग्जाम्पल हो जाएगा द रेस्टोरेंट हैज़ अ प्लीजेंट एम्बियंस, मतलब रेस्टोरेंट का जो एटमॉस्फेयर है वो काफ़ी अच्छा है. नेक्स्ट है एम्बिगोस. एम्बिगोस हम लोग रूट वर्ड्स में पढ़ चुके हैं, जिन्होंने रूट वर्ड्स वाली प्लेलिस्ट नहीं देखी है वो जाकर अवश्य देखें. एम्बिगोस का मतलब हो जाता है एम्बी मतलब टू, गोस मतलब हो गया डबल मीनिंग. एम्बिगोस मतलब हो गया समथिंग दैट कैन बी अंडरस्टूड इन मोर देन वन वे हैविंग डिफरेंट मीनिंग्स. एक से ज़्यादा अर्थ जिसके निकल सकते हैं उसे एम्बिगोस कहते हैं. सिनोनिम हो जाएगा आर्केन, क्रिप्टिक, डार्क, डीप या डेल्फिक, डबल एज्ड या एलिप्टिक. एंटोनिम्स हो जाएंगे एक्सेसिबल, क्लियर, नॉन एम्बिगुअस, ऑब्वियस या फिर प्लेन. फॉर एग्जाम्पल, हिज रिप्लाई टू माई क्वेश्चन वॉज समवॉट एम्बिगुअस. उसका जो रिप्लाई था मेरे सवाल का वो काफ़ी एम्बिगुअस था, काफ़ी द्विअर्थी था, जिसके एक से ज़्यादा अर्थ निकल सकते थे, एक से ज़्यादा इंटरप्रिटेशन हो सकते थे. अगला शब्द हमारा क्या है? एम्बीवेलेंट. एम्बीवेलेंट हम लोग कर चुके हैं रूट वर्ड्स में, मतलब हो जाता है हैविंग और शोइंग बोथ पॉजिटिव एंड निगेटिव फीलिंग. किसी के बारे में निगेटिव और पॉजिटिव दोनों फीलिंग्स रखना क्या कहलाता है? एम्बीवेलेंट. कर चुके हैं शब्द. एमेलियोरेट. एमेलियोरेट का मतलब भी क्या होता है? जो मिटिगेट का था अभी आपका, एलिविएट का था. मेक बेटर समथिंग वॉट दैट वॉज बैड और गुड इनफ, नॉट गुड इनफ, यानी कि कुछ बुरा है उसे बेहतर करना, एमेलियोरेट करना, दुख परेशानी को कम करने के लिए ही आता है. एमेंड, बेटर, एनहेंस, एनरिच, हेल्प, इम्प्रूव, मेलियोरेट, परफेक्ट, आपका रिफाइन और अपग्रेड. इसी में आप एलिविएट लिख सकते हो या मिटिगेट लिख सकते हो. ठीक है, एंटोनिम क्या हो जाएगा? वर्सन, एक्सेसर्बेट या आपका स्टेप्स हैव बीन टेकन टू एमेलियोरेट द सिचुएशन. सिचुएशन को बेहतर बनाने के लिए स्टेप्स लिए गए हैं. नेक्स्ट हमारा है एमेनेबल. तो एमेनेबल में देखिए, अगर किसी में वर्ड आता है आपका AM, जिसका मतलब होता है फ्रेंडली,
एबल लगेगा तो उसका मतलब हो जाता है एडजेक्टिव. तो एमिनेबल का मतलब हो गया इजी टू कंट्रोल, विलिंग टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय समबडी और समथिंग. जो किसी के विलिंग टू इन्फ्लुएंस्ड बाय समबडी और समथिंग है एमिनेबल है, मित्रवत है. डिस्पोज्ड, फेन, गेम, ग्लैड, इंक्लाइंड और माइंडेड, रेडी और विलिंगनेस. एंटोनिम क्या हो जाएगा? डिसइंक्लाइंड, अनएमिनेबल या अनविलिंग. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल शी वॉज ऑलवेज अ वेरी एमिनेबल चाइल्ड, वह बहुत ही मित्रवत बच्ची थी हमेशा से. नेक्स्ट है एमिनिटी. एमिनिटी का मतलब क्या होता है? एमिनिटीज. आई विल गिव यू सो मेनी एमिनिटीज. एमिनिटीज का मतलब हो जाता है फीचर और सर्विस दैट मेक्स अ प्लेस प्लीज एंड कम्फर्टेबल और ईजी टू लिव इन. यानी कि एमिनिटी मिलना, एमिनिटीज मिलना, सुख सुविधाएं जिन्हें कहते हैं उसे कहते हैं एमिनिटी. तो वह फीचर और सर्विस जो किसी जगह को प्रेजेंट बनाती हैं, कंफर्टेबल बनाती हैं. फॉर एग्जांपल अटेंशन, सिविलिटी, कर्टसी, फॉर्मेलिटी, जेस्चर, प्लीजेंट्री एंड पोलाइटनेस. फॉर एग्जांपल हो जाएगा ही इमीडिएटली नोटिस द एमिनिटी ऑफ हिज न्यू सराउंडिंग्स. एमिएबल क्या हो जाता है? एमिएबल का मतलब हो जाता है फ्रेंडली, जो ये बहुत ही फ्रेंडली व्यक्ति है. एफेबल, एग्रीएबल, जिनाइल, गुड नेचर्ड हो जाएगा. ग्रेशियस, मेलो और नाइस. एंटोनिम हो जाएगा डिसअग्रीएबल, इल नेचर्ड, अनएमिएबल या अनजेनाइल. फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ वेरी एमिएबल कंपेनियनशिप, बहुत ही मित्रवत कंपेनियनशिप है, बहुत ही मित्रवत है हम. नेक्स्ट है एमनेस्टी. एमनेस्टी का मतलब होता है, एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संस्था थी जिसे अभी हाल ही में दिल्ली से जिसने अपना ऑफिस बंद किया है. एमनेस्टी का मतलब होता है एन ऑफिशियल स्टेटमेंट दैट अलाउज पीपल हु हैव बीन पुट इन प्रिजन फॉर क्राइम्स अगेंस्ट द स्टेट टू गो फ्री. यानी कि एमनेस्टी का मतलब होता है जनरल पार्डन, यानी कि सरकार की ने जिन्हें जेल में रखा है उन्हें अगर क्षमा दे दें, जनरल पार्डन दे दें, उन्हें क्षमा कर दिया जाए, उन्हें अलाउ कर दिया जाए फ्री रहने के लिए, उसे कहते हैं एमनेस्टी. सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? एब्जोल्यूशन, फॉरगिवनेस, पार्डन, रेमिशन या रेमिटल. एंटोनिम्स हो जाएंगे पेनाल्टी, पनिशमेंट या रेट्रीब्यूशन. For example, the President granted a general amnesty for all political prisoners. President ने सभी political prisoners के लिए general amnesty जारी की. Next है amoral. Amoral का मतलब हो गया A मतलब not, moral मतलब होता है नैतिकता. Amoral का मतलब हो गया not following any moral rules and not caring about right and wrong. वह व्यक्ति जो बिल्कुल ही amoral है, अनैतिक है और बिल्कुल भी सही और गलत के बारे में नहीं सोचता है. ट्रम्प्स अप्रोच टू किम इज अमोरल, अनैतिक है, उसे सेंस कहते हैं अमोरल. नेक्स्ट है अमरोस. अमरोस का मतलब क्या होता है? AM का मतलब फ्रेंडली या लव होता है, OUS मतलब एडजेक्टिव. तो अमरोस का मतलब होता है शोइंग सेक्सुअल डिजायर एंड लव टूवर्ड समबडी. सिनोनिम हो जाएगा एमेटरी, एफ्रोडेजियाक, एरोजीनियस, एरोटिक. एंटोनिम हो जाएगा नॉन इरोटिक या अन इरोटिक. For example, the film centers around the amorous adventures, exploits of its handsome hero. Amorphous, amorphous solid. अक्सर आपने पढ़ा होगा amorphous solid क्या होता है. Amorphous solid उसे कहते हैं having no definite shape, form or structure. इसका कोई भी definite shape या form या structure नहीं होता है, उसे amorphous कहते हैं. ठीक है, formless या shapeless, unshaped. और एंटोनिम हो जाएगा फॉर्म्ड, शेप्ड या अनस्ट्रक्चर्ड. आई रियली कांट अंडरस्टैंड हिज अमॉर्फस आइडियाज, उसके अमॉर्फस आइडियाज, उसके अनस्ट्रक्चर्ड आइडियाज को नहीं समझ सकते हैं. ऑलराइट, सो लेट्स कीप इट टिल हियर. आशा करता हूँ वीडियो को आपने यहाँ तक देखा होगा. अगर वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में अटेंडेड अवश्य लिखिए, वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए, वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि आगे भी मैं इस वीडियो सीरीज को कंटिन्यू कर पाऊँ. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. Thank you so much for watching. Have a good day. Take care. Bye-bye.